झारखंड में डाल्टनगंज से अप्रोक्स 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे ये जो है पलामू किला है। जी हाँ, यह फ्रेंड तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं, तो मैं इनसे भी थोड़ा सा बात करने का है कि और भी कभी आए? बहुत बड़ा है, बहुत कैसा लगता है आकर? बहुत मस्त, बहुत मस्त। यहाँ फ्रेंड तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जो है कौन से हैं आप? नावा बाजार से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? फर्स्ट टाइम पाए हैं या पहले भी आए हैं? ना पहले भी आए हैं। तरह तरह के जानवर भी रहता है, आदमी गुफा बड़ा बड़ा है, आदमी यहाँ पे गिरा भी है। चलिए इसी में हम जो है अंदर चलेंगे। अंदर में जो है तब्दील हो चुका है, कोई पर्व त्योहार या फेस्टिवल के समय में यहाँ बहुत सारा। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माई चैनल टूर रास्ता। आज आए एक नए ब्लॉग के साथ। आज जो है हम लोग झारखंड में डाल्टनगंज से अप्रोक्स 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे ये जो है पलामू किला है। जी हाँ, पलामू किला। तो इसी पे जो है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चढ़ के हम लोग पहुँचे हुए हैं। ये मुख्य द्वार है, तो पलामू किला के अंदर चलते हैं और क्या क्या कुछ देखने का है दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल खंडहर साहिब ये हो चुका है, बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो गया है। तो इसी गेट से हम लोग अंदर चलेंगे। कुछ इस तरह का माहौल है अंदर का, जो कि आप देख सकते हैं। और राइट साइड में दाहिने साइड में आपको यहाँ पे एक द्वार मिलेगा, और अंदर में जो इस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जो है घूमने का जगह है। और इधर से जो सीढ़ी है, इधर से ऊपर जो है जा सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा साफ देख सकते हैं। और जस्ट आगे निकलेंगे तो यहाँ पे भी जो है बहुत कुछ जो है घूमने का है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। तो ये खंडहर में तब्दील हो चुका है ये पलामू किला, तो बड़ा ही मनोरम दृश्य है। तो बड़े अपने ब्लॉग में हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे, हमारे ब्लॉग में बने रहें और बहुत मज़ा आने वाला है। अंदर का जो भी माहौल है चारों ओर घूम घूम के हम दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगल पहाड़ सा है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, जो कि खंडहर में जो है तब्दील हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बड़ा जो है मज़ा आता है यहाँ पे, और काफ़ी लोग पर्यटक जो है यहाँ पे आते रहते हैं। तो अभी जो है वैसा कोई खास भीड़ नहीं है, कोई पर्व त्योहार या फेस्टिवल के समय में यहाँ बहुत सारा जो है भीड़ होता है। और फेस्टिवल के समय में यहाँ इतना भीड़ होता है कि जहाँ भी आप जाएंगे लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि घूमने वाले जो भी आते हैं कपल्स वगैरह या जो भी विद फैमिली अपने बच्चे लोग के साथ यहाँ पर जो है घूमने इंजॉय करने या छुट्टी को जो है बिताने यहाँ पे आते हैं। तो इसी तरह से देख सकते हैं काफ़ी दूर में ये जो खंडहर जो है आपका जो काफ़ी दूर में है, मतलब अंदर इतना स्पेस है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, काफ़ी दूरी यहाँ पे है, पेड़ पौधा है और प्राकृतिक यहाँ, मतलब इतना अच्छा एडवेंचर है, पहाड़ है, बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है। यहाँ पर आ करके बड़ा ही जो है सुकून मिलता है, कोई पोल्यूशन नहीं, 0% पोल्यूशन हम कह सकते हैं कि 0% यहाँ पे पोल्यूशन है, क्योंकि पेड़ पौधा है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो जब भी आप इस रास्ते से जा रहे हैं, अगर बगल में आप जो है यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे अगर हम बात करें तो आपको पलामू बेतला पार्क है। जी हाँ, पलामू बेतला पार्क, अगर वहाँ पे आप आए हुए हैं तो वहाँ से समथिंग 2 से 3 किलोमीटर के बाद आपको मिल जाएगा पलामू किला, जो कि बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है और बड़ा ही जो है अच्छा जगह है, सुकून का जगह है। तो जब भी विद फैमिली आप आए यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। और अभी कुछ लोग अगर मिलेंगे तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, अभी तो यहाँ पे कुछ लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि अभी वैसा कोई फेस्टिवल पर्व त्यौहार वगैरह नहीं है। यहाँ से जो है एक द्वार और है, यहाँ से हम जो है बाहर का नज़ारा जो है दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन और पहाड़, इतना मनोरम दृश्य है यहाँ का, जो कि आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़, बिल्कुल जो है सुनसान, बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर, बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें, पूरा पलामू किला का आज जो है विजिट करने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ का पलामू किला के साथ बेतला पार्क भी है, वो भी हम दिखाने वाले हैं, हमारे ब्लॉग में बने रहें। क्या शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार नज़ारा। यहाँ पे जो है इससे भी अंदर जा कर के सीढ़ी है, और यहाँ से जो है ऊपर चढ़ के हम लोग जो है यहाँ का भी जो है लोकेशन, वहाँ से बाहरी लोकेशन, नीचे का लोकेशन सब कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह का जो है खंडहर में तब्दील हो चुका है ये पलामू किला, जो कि देख रेख न रहने के कारण शायद इस तरह का जो है हुआ है। ऐसे पर्यटक लोग आते हैं लेकिन इसमें जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी कुछ मुझे वैसा नहीं लगा, और न ही जो है
सेफ्टी के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो है किसी को जो है सरकार ध्यान दी है, यहाँ पे किसी को लगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और ये जो सीढ़ी देख रहे हैं इस गुफा के अंदर से जो सीढ़ी बना हुआ है, चलिए इसी में हम जो है अंदर चलेंगे और जस्ट ऊपर चलेंगे, ऊपर का माहौल जो है हम लोग देखेंगे। हमारे ब्लॉग में बने रहें। एक चीज़ और, सावधान रहेंगे क्योंकि हम जंगल में हैं तो कुछ भी हो सकता है, सांप भी छे सब कुछ भी आपका हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का दृश्य है, यहाँ पे बड़ा ही जो है शानदार लोकेशन है। और यहाँ से ये रास्ता जो है एंड कर चुका है, फिर दूसरे रास्ते की ओर चलते हैं। देखिए कुछ इस तरह का ये खंडर है जो कि यहाँ आपका जो है लोग घूमने आए होंगे तो पानी बॉटल वगैरह जो है रखा हुआ है। चलिए चलते हैं, ब्लॉग में बने रहें। ये यहाँ पे ये भी जो है रास्ता एंड कर जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भूल भुलैया टाइप का है, या फिर टूट गया है, खंडर में तब्दील हो चुका है, गिर गया है। और हम जो है इसके छत पे जो है ऊपर छत पे जा करके वहाँ का जो है लोकेशन दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहें तो आप देख सकते हैं। शायद से हमें लग रहा है कि इस ओर से हम जो है छत पे जा सकते हैं, तो चलिए छत की ओर चलते हैं और यहाँ से नीचे का जो भी नज़ारा है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं गाइस किस तरह का जो है यहाँ का नज़ारा है, बड़ा ही शानदार नज़ारा है, बड़ा ही शानदार लोकेशन है। तो चलिए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें। और आज मौसम भी जो है सुहाना है, जैसे पानी का मौसम है, बादल है, कभी कभी धूप भी जो है ऐसा निकल रहा है। ये देखिए हम लोग जो है छत पे चले आए हैं बिल्कुल। और यहाँ से जो है एक बार हम लोकेशन दिखाने का प्रयास करेंगे, वहाँ से एक नदी भी जो है समझ में आ रहा है, लेकिन कौन सा नदी है मुझे पता नहीं। और इस किला के बाद वहाँ भी एक किला, जो हो सकता है कि आपको न दिख रहा हो, वहाँ भी एक किला नज़र आ रहा है। तो बड़ा ही शानदार लोकेशन है, बड़ा ही शानदार जगह है। फ्रंट पे ऊपर पे पहुँचे हुए हैं और जस्ट पानी हो रहा है, तो जो खंडहर सा जो आप देखेंगे वहाँ पर हम लोग छिपेंगे, लुकेंगे। यहाँ पर जो है एक बंदा मुझे दिखाई दे रहा है, चलिए उनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में खासियत, जो कि सेल्फी लेते हुए अपने जो है बच्चे के साथ यहाँ पे घूमने आए हुए हैं अकेले। चलिए इनसे मिलते हैं और यहाँ के बारे में पूछते हैं। और भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस खान। कहाँ से आए हैं आप? नावा बाजार से। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली यहाँ पर फैमिली के साथ लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। कैसा मतलब कोई भी आ सकता है यहाँ पर? कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का एडवेंचर कैसा है, पोल्यूशन है कि नहीं है, इसके बारे में आप बताइए। एकदम सही। यहाँ फर्स्ट टाइम पाए हैं या पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं। अच्छा जगह है, कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन संभल के चलना है यहाँ पे। मतलब किस चीज से संभल के चलना? बहुत चीज है यहाँ पे, जानवर है, तरह तरह के जानवर भी रहता है, आदमी गुफा बड़ा बड़ा है। अच्छा। आदमी यहाँ पे गिरा भी है। अच्छा। इसी ये सब मतलब जानवर है सबसे? हाँ, थोड़ा सा बच के। मतलब इंसान से डरने का? नहीं, इंसान के, इंसान से डरने का ऐसा कोई नहीं है कि इंसान से किसी तरह की दिक्कत इस तरह का नहीं है? नहीं, कहीं कुछ नहीं, सबसे जानवर से डरना, सिर्फ जानवर से डरना है। चलिए, और अपना मतलब सेफ्टी में रहना है, बस सेफ्टी में रहना है। तो जैसा कि भैया ने बताया, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कपल्स लोग ज्यादा आ रहे हैं जी, जैसे अपने साथ में एक मैडम को लेकर किस टाइप के लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही जो है अच्छा जगह है, एंजॉय जगह है, बहुत एंजॉय करने के लिए लोग आ रहे हैं जी, और बड़ा ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, आकर के घूमे, पोल्यूशन आकर्षित चीज है, और आकर्षण आकर्षित चीज है, लोगों को आकर्षण देता है, आकर्षण करता है। और जैसा कि पर्व त्योहार के फेस्टिवल के वगैरह में बहुत सारा यहाँ पे भीड़ होता है, बहुत सारा पूरा एकदम छठ के मौसम में पूरा एकदम जाम रहता है, छठ का टाइम में एकदम जाम रहता है। आप कहीं भी आइए एकदम पूरा आपको जाम मिलेगा। खाने पीने की हम बात करें तो आपको यहाँ से 3 किलोमीटर पहले आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वैसा अभी कुछ नहीं हो सकता है कि फेस्टिवल त्योहार वगैरह में यहाँ पे मिलता होगा, ठेला चाट का कुछ अगर ऐसा होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है जी, नहीं जी। तो चलिए अब जो है पानी बूंद बूंद हो रहा है, तो हम लोग नीचे चलेंगे, वहाँ पे छिपने का गुफा में चलेंगे, वहाँ पर छिपेंगे। और उसके बाद लगभग आप लोग घूम ही चुके हैं, देख रहे हैं चारों तरफ पेड़ पौधा, एडवेंचर जो भी यहाँ का वातावरण है बड़ा ही जो है बहुत जबरदस्त है। ये जो देखिए अपने छोटे बच्चे के साथ आए हैं, बहुत ही जो है ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। क्या नाम है मुन्नी आपका? बोला सुमेरा खान। सुमेरा खान, देखिए अपने
बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे बच्चे से, जो कि अपने बच्चे के साथ ये जो है एक्चुअली जो घूमने आए हैं, समझ लीजिए जी बिल्कुल। तो क्यों मैडम को नहीं लेकर के आया? मैडम नहीं थी ना। अच्छा मैडम नहीं, दूसरे जगह थी, बच्चे को लेकर आ गए। मैडम दूसरे जगह थी तो बेचारे बच्चे को लेकर के घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत यहाँ पे अच्छा लगेगा, यकीन मानिए। अगर आप डाल्टनगंज में आए हुए हैं तो डाल्टनगंज अगर बेतला पार्क आए हुए तो वहाँ से हमें लगता है कि 2 से 3 किलोमीटर है। इसका नाम पलामू किला है, इसे पलामू किला कहा जाता है। राजाओं का इलाका था ये। अच्छा कौन सा राजा का इलाका है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन कोई राजा बादशाह नाम का था। राजा बादशाह जो होगा उसी के समय का किला बनाया हुआ होगा, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है। एकदम आप देख रहे हैं बिल्कुल खंडहर हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, हम लोग नीचे छुपने का प्रयास करेंगे। उसी लोग आ रहे हैं तो मैं इनसे भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है भी आपका? शाहिद खान। शाहिद खान एक और बंदे यहाँ पे मिले हुए हैं घूमते हुए, 2-3 टपरी टाइप। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। भैया यहाँ पे पहली बार आए हैं कि और भी कभी आए हैं? बहुत बार आए हैं। बहुत बार आए हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा। यहाँ मतलब कैसा लगता है आकर? बहुत मस्त, बहुत मस्त लगता है। मैं भी पहली बार आया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ लोगों से मिला, बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 0% पोल्यूशन है। क्या इस जगह का नाम है? पलामू किला है। यहाँ पे बहुत लोग एंजॉय करने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक तरह से हम यहाँ पर कपल पॉइंट भी बोल सकते हैं। हाँ, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग ज्यादा आते हैं। और मैं इनसे कहूंगा कि थोड़ा उधर अगर जाते तो उधर और भी बहुत बेहतरीन जगह था। अच्छा, ऊपर से जो है चारों तरफ का नजारा दिख रहा है और यहाँ जो किला है बहुत बेहतरीन। मतलब यहाँ का गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए, समझ रहे हो आप, स्पेशल उधर है। जितना अंदर जाइएगा झंडा फहराते सन्नाटा मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना। तो नहीं भैया उधर नहीं जाना है हमको। तो इसी तरह का है, मतलब यहाँ पे आप यहाँ तक आए तो यहाँ तक रहे, फैमिली वाले हैं तो ना, तो अंदर तो बहुत ज्यादा ऊपर है। अजगर मिला था। अच्छा अजगर मिल गया था, दो अजगर मिला था बड़ा बड़ा। हाँ तो यही चीज है, हिरन जो होता है उसको खा के बैठा हुआ था। यही बात है। और जो है मैं उनसे ही मिला तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो जानवर से आपको थोड़ा सा बचना है, बाकी किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए लगभग यहाँ पे शूट हमारा हो चुका है, यहाँ पे हम विजिट कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग जो है प्रस्थान करेंगे, इसी द्वार से जो है इन किए थे यहीं से निकलेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी लोग जो है कपल्स या जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोग, मैं इसे दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह से लोग जो है लिखे हुए होते हैं। और यहाँ पे रील्स वगैरह काफ़ी लोग बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह हम कह सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, निकलेंगे, फिर हमारे नए ब्लॉक में आप मिलेंगे। हाँ फ्रेंड, तो जिस द्वार से हम लोग घुसे थे अब यहीं से जो है हम लोग आउट हो चुके हैं, अब यहाँ से निकल चुके हैं। अब जो है यहाँ से हम लोग इस रास्ते प्रस्थान करेंगे, निकलेंगे यहाँ का ब्लॉग यहीं तक। बड़ा ही जो है अच्छा लगा, बहुत कुछ अच्छा लगा यहाँ पे। जब भी आप आए यहाँ पे ज़रूर आए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बिल्कुल पहाड़ के रास्ते यहाँ से उतरना है। उतरने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चढ़ने में बहुत है प्रॉब्लम होता है, बीच बीच में जो है रुकना पड़ेगा। और बहुत अच्छा लगा, चलिए फिर मिलेंगे नए फ्रेश टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर। देख सकते हैं गाइस किस तरह से बिस्किट जो है ये बंदर खा रहा है, आप देख सकते हैं।